वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स क्रूज केस में गिरफ्तारी के बाद से एक नाम लगातार सुर्खियों में रहा, वो है किरण गोसावी का। वही किरण गोसावी जो क्रूज पर एनसीबी की रेड के समय समीर वानखेड़े के साथ था, वही किरण गोसावी जो एनसीबी अफसरों की जगह आर्यन खान को पकड़ कर ले जाते नजर आया, और वही किरण गोसावी जिसे पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर ये किरण गोसावी है कौन और क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है, आइए जानते हैं। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद बाहर आने वाली ये उनकी पहली तस्वीर है। लोगों को लगा कि ये एनसीबी के ऑफिस में बैठे आर्यन खान की तस्वीर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये तस्वीर रेड के ठीक बाद ली गई थी क्रूज शिप टर्मिनल पर। मगर पब्लिक इस बात को लेकर परेशान रही कि आर्यन के साथ नजर आ रहा दूसरा आदमी कौन है। जहां एनसीबी रेड मार रही है वहां ये आदमी सेल्फी कैसे ले रहा है। लोगों को लगा एनसीबी का कोई ऑफिसर होगा, मगर एनसीबी ने एक स्टेटमेंट जारी कर ये क्लियर किया कि ये आदमी एनसीबी से जुड़ा हुआ नहीं है। अब और बड़ी समस्या, अगर ये आदमी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नहीं है तो उनकी रेड के दौरान आर्यन खान के पास कैसे पहुंचा? कैसी सुरक्षा व्यवस्था है? इस तस्वीर के बाहर आने के बाद तमाम सवाल उठ रहे थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। सेल्फी वाले इस मिस्ट्री मैन के जुड़े सवालों का पहला जवाब दिया एनसीपी नेता नवाब मलिक ने। एनसीपी नेताओं के मुताबिक एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। साल 2018 में गोसावी के खिलाफ पुणे में एक धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज हो रखा है, जहां किरण गोसावी केपीजी ड्रीम सॉल्यूशन नाम की एक कंपनी चलाता था। कहा जा रहा है कि इनकी कंपनी लोगों की विदेश में नौकरी लगाने के नाम पर चूना लगाती थी। बताया जा रहा है कि किरण गोसावी का ये झोलझाल तब सामने आया जब इनकी कंपनी ने एक लड़के को मलेशिया के एक होटल में नौकरी लगवाने का वादा किया। लड़के से 3.09 लाख रुपए ले लिए। वो लड़का जब मलेशिया पहुंचा तब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हो गया है। इसके बाद उस लड़के ने गोसावी के खिलाफ पुणे के एक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया। गौरतलब है कि किरण गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर ने हलफनामे में कहा कि उसने केपी गोसावी और सैम डिसूजा को आपस में बात करते सुना था। उसने दोनों को ये कहते सुना था कि आप 25 करोड़ रुपए का बम डाल दो, चलो 18 करोड़ में सौदा तय करते हैं और समीर वानखेड़े को 8 करोड़ रुपए दे देते हैं। आरोप लगाने वाला प्रभाकर खुद को गोसावी का बॉडीगार्ड बता रहा है। प्रभाकर ने आरोप लगाया है कि गोसावी और सैम ने कथित तौर पर 18 से 8 करोड़ रुपए एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को देने की बात कही थी। प्रभाकर सैल ने अपने हलफनामे में ये भी कहा कि क्रूज पर एनसीबी की छापेमारी के बाद उसने शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी को केपी गोसावी और सैम को नीले रंग की मर्सिडीज कार में साथ में बात करते देखा था। उनके बीच करीब 15 मिनट बात हुई थी। प्रभाकर के आरोपों की अगर किरण गोसावी पुष्टि कर देता है तो जाहिर है कि वो सूरत ना तो एनसीबी के लिए अच्छी होगी और ना ही समीर वानखेड़े के लिए। इसके अलावा क्रूज पर छापेमारी के वक्त किरण गोसावी की प्रभावी भूमिका और एनसीबी वालों की जगह उसका यूं आर्यन खान को पकड़ कर ले जाने जैसे सवालों के भी जवाब मिलने की उम्मीद है, जो किसी भी सूरत में वानखेड़े एंड टीम के लिए अच्छे तो साबित नहीं होंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और आर्यन खान केस से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।